हेलो दोस्तों, सैम्स वर्ल्ड में एक बार हमें आपका वापस स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में बताने वाला हूं कि IRCTC ने अपने ओल्ड वेबसाइट को न्यू वेबसाइट में अपग्रेड कर दिया है। इसमें हमको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं जो कि मैं जानता हूं कि आपको पता होना चाहिए। क्या क्या मिल रहे हैं बेनिफिट्स, इस वीडियो में इसके बारे में बताने वाला हूँ। तो ध्यान से देखते रहें, पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी डिटेल पता चल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं IRCTC का पुराना वेबसाइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूँ कि प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कीजिए। वहाँ पे मिलते हैं आपको कई सारे बेनिफिट जिसके बारे में आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेनिफिट के बारे में। IRCTC यहाँ पे दे रहा है आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्पीड जो कि पहले वाली वेबसाइट में नहीं मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, पहले वाली वेबसाइट में क्या होता था कि अगर टिकट हम बुक करते थे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता था, बहुत ही स्लो चलता था, जो कि बहुत लैग होता था वेबसाइट। लेकिन अब जो नया अपग्रेडेड वर्जन है IRCTC का, जो कि उसमें जितने भी बॉक्स थे सब निकाले गए हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा स्पीड की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप टिकट निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन से ही निकालिए। सेकंड बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोर्डिंग को पहले हमें क्या करना था, बोर्डिंग अगर चेंज करना बोर्डिंग स्टेशन तो हमें दूसरे विंडो का यूज़ करना पड़ा था। तो आप यहाँ पे दूसरे विंडो का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बोर्डिंग ऑप्शन डायरेक्टली सामने दिखाई देगा जो कि आप अपना चूज या सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर हमें डेट कोई चेंज करना होता था तो हमें क्या कर, अगर किसी भी ट्रेन का अवेलेबिलिटी या डेट के हिसाब से चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता, पीछे जाना पड़ता, शेड्यूल सेट करना पड़ता। लेकिन अभी अपग्रेडेड वर्जन की जहाँ बात करें तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली वहाँ पे पूरा शेड्यूल उसका दिखा दिया जाएगा, डेट आप अपने हिसाब से उस विंडोज के अंदर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसको जहाँ की आपको विंडोज चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया जाता है आपको अप एंड डाउन, जो भी गाड़ियां अप हैं जो भी डाउन है उस डेट के आगे पीछे के सबका डिटेल्स आपको वहाँ पे शो कर देगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी, पहले आपको एक एक करके एक एक डेट का सिलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे आपके आगे के 5 और पीछे के 5 10 दिन टोटल आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो मीन्स अगर ओवरऑल देखे थे कि हमारा यह जो वेबसाइट अभी जो अपग्रेडेड वर्जन है IRCTC का, बहुत से टाइम बचा रहे हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप पुराने वेबसाइट से निकाल रहे हैं टिकट तो वहाँ पे देख सकते हैं कॉर्नर पे लिखा रहेगा कि अगर अपग्रेडेड वर्जन का वेबसाइट यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कीजिए जो कि आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान पड़ने वाली है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी यह काम में आ सके, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको हमेशा दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। दोस्तों, तो अगर आप यूज़ कर रहे हैं IRCTC का पुराना वेबसाइट, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हूँ कि प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कीजिए। वहाँ पे मिलते हैं आपको कई सारे बेनिफिट जिसके बारे में आपको बताने वाला इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट बेनिफिट के बारे में। IRCTC यहाँ पे दे रहा है आपको एक बहुत ही बेहतरीन स्पीड जो कि पहले वाली वेबसाइट में नहीं मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, पहले वाली वेबसाइट में क्या होता कि अगर टिकट हम बुक करते थे तो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता था, बहुत ही स्लो चलता था, जो कि बहुत लैग होता था वेबसाइट। लेकिन अब जो नया अपग्रेडेड वर्जन है IRCTC का, जो कि उसमें जितने भी बग्स थे सब निकाले गए हैं और बहुत ही अच्छे, बहुत ही बेहतरीन और उम्दा स्पीड की क्वालिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। तो अगर आप टिकट निकालना चाहते हैं तो प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन से ही निकालिए। सेकंड बात करते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए तो बोर्डिंग को पहले हमें क्या करना था, बोर्डिंग अगर चेंज करना बोर्डिंग स्टेशन तो हमें दूसरे विंडो का यूज़ करना पड़ता था। तो आप यहाँ पे दूसरे विंडो का यूज़ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको बोर्डिंग ऑप्शन डायरेक्टली सामने दिखाई देगा जो कि आप अपना चूज या सेलेक्ट कर सकते हो। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे अगर
हमें डेट को ही चेंज करना आता था, तो हमें क्या कर, अगर किसी भी ट्रेन का अवेलेबिलिटी या डेट के हिसाब से चेक करना है तो हमें क्या करना पड़ता था, पीछे जाना पड़ता था, शेड्यूल सेट करना पड़ता। लेकिन अभी अपग्रेडेड वर्जन की जहाँ बात करें तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली वहाँ पर पूरा शेड्यूल उसका दिखा दिया जाएगा, डेट आप अपने हिसाब से उस विंडोज़ के अंदर ही सिलेक्ट कर सकते हो, जिसको जहाँ की आपको विंडोज़ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ देता दिया जाता है आपको अप एंड डाउन, जो भी गाड़ियाँ अप हैं जो भी डाउन है उस डेट के आगे पीछे के सबका डिटेल्स आपको वहाँ पे शो कर देगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे सीट अवेलेबिलिटी, पहले आपको एक एक करके एक एक डेट का सेलेक्ट करना पड़ता था, लेकिन अब यहाँ पे आपके आगे के पाँच और पीछे के पाँच, दस दिन टोटल आपको यहाँ पे डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको कहीं सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो मीन्स अगर ओवरऑल देखें तो कि हमारा यह जो वेबसाइट अभी जो अपग्रेडेड वर्जन है IRCTC का, बहुत से टाइम बचा रहे हैं। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर आप पुरानी वेबसाइट से निकाल रहे हैं टिकट, तो वहाँ पे देख सकते हो कॉर्नर पे लिखा रहेगा कि अगर अपग्रेडेड वर्जन का वेबसाइट यूज़ करने के लिए, तो प्लीज़ अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कीजिए, जो कि आपको बहुत ही इजी और बहुत ही आसान पड़ने वाली है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग को भी यह काम में आ सके, और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट्स मैं आपको हमेशा दे सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।